देखिए दोस्तों, मेरा मसाला पूरा भून चुका है अच्छे से। आपको दिखाई नहीं देता है तो मैं दिखा ही देती हूँ। देखिए पूरा मसाला भून चुका है अच्छे से। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। पानी डाल के पापड़ और आलू की सब्जी है। पानी डाल के देखिए मैं पानी डाल रही हूँ। आपको जितना मर्जी हो डाल सकते हैं सब्जी के अनुसार। जितनी सब्जी है उतनी पानी डाल सकते हैं आप। देखिए दोस्तों, मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है या 2 गिलास, छोटी सी गिलास से। उसके बाद मैं सब्जी को ढक देती हूँ, जल्दी उबाल आ जाएगा। तो मैं इसमें आलू और पापड़ की सब्जी डालूंगी। देखिए आलू और पापड़ इसमें उबाल आ जाएगा, तो मैं पापड़ और आलू डाल दूंगी। सर्दी में इस सब्जी को खाइएगा तो बहुत अच्छा लगता है। सर्दी में हर किसी को बाजार जाने का मन नहीं होता, तो सब अपने अपने घर में पापड़ तिलौरी रखते हैं, तो पापड़ से ही अपना सब्जी बनाते हैं। देखिए दोस्तों कितना अच्छा सब्जी बन के तैयार हो जाएगा। और बताइए दोस्तों, सर्दी में क्या हाल है? इतना सर्दी ज़्यादा है ठंड बढ़ने की वजह से, और हर आदमी का हालत ख़राब है। मत पूछिए इतना ठंडी है। ठंडी में तो अच्छे अच्छे पकवान खाने का मन करते हैं, अच्छे अच्छे चीज़ खाने को जी चाहता है। इसीलिए मैंने आज पापड़ और आलू की सब्जी बनाई है। खा के आपका भी मन खुश हो जाएगा। देखिए दोस्तों, देख लेती हूँ सब्जी में उबाल आई कि नहीं। देखिए मेरा उबाल आ चुका है। अब मैं इसे चला देती हूँ। देखिए ऊपर ऊपर तेल आ चुका है। दोस्तों अच्छे से बनाइएगा तो खाने में बहुत मजा आएगा। मैंने भी बनाई है पापड़ और आलू की सब्जी। देखिए दोस्तों, उबाल आ चुकी है दोस्तों। देखिए मेरा सब्जी कितना खोल रहा है, बहुत खोल चुका है मेरा सब्जी। इसके गमक से मुझे छींक भी आ गई है। देखिए दोस्तों, अब मैं इस पापड़ और आलू को इसमें रख देती हूँ, काहे कि बहुत सारा उबाल आ चुका है। देखिए कितना खोल रहा है, देखिए भाप निकल रहा है। अब मैं इसमें सब्जी डाल देती हूँ। आलू और पापड़ को रख देती हूँ और अच्छे से मिला देती हूँ। अच्छे से मिलाकर सॉफ्ट हो जाएगा, कि हल्के हल्के मैं इसे चला दे, हल्के हल्के से इसे चला दूंगी। कलर मस्त आ चुका है, कितना अच्छा कलर है सब्जी का। देखिए
कितना मस्त सब्जी बन के तैयार हुआ है। देखिए दोस्तों, अभी अपने घर में बनाइए। और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। देखिए मैं नीचे उतार के दिखा देती हूँ कितनी अच्छी सब्जी बनी है मेरी, पापड़ और आलू की। देखिए कितनी सुंदर है। आप भी खा के देखिए दोस्तों, ठंडी के दिनों में मजा आ जाएगा, खा के मन खुश हो जाएगा। अगर मेरी सब्जी अच्छी लगे, मेरी रेसिपी अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा इसके लिए।